गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपका ड्राइंग का टर्न है और आज हम ड्राइंग में पेज नंबर 15 फिल करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 15 में ये जो कॉक है वो अपने विलेज के बाहर घूम रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, ये ग्रास है, घास है पहले पीछे, ये घर, ये कॉक एंड दीज, ये बादल है, क्लाउड है, ये घास है और ये आपका नीचे ग्राउंड है, तो उसको हम ग्रीन कलर भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा ब्राउन कलर, अगर हम इसको वैसा हरियाली वाला मान लें तो हम इसमें ग्रीन कलर ही फिल करेंगे। ठीक है, कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं, इस तरीके से हमारी पूरी पेंटिंग बनी हुई है। एंड योर वर्क इज टू कलर इट, तो हमें वाटर कलर से इसको कलर करना है। फर्स्ट हम हैंड में कलर करते हैं, देन हम बाद में और चीजों में कलर करेंगे। ठीक है, तो हैंड में कलर हम इसके फेस में इधर ब्राउन कलर करेंगे एंड दिस यहाँ पर हम वेश कलर करेंगे, मींस मटमैला कलर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम रेड कलर फिल करेंगे। ठीक है, तो आप पहले ब्राउन कलर आपको बनाना है, तो ब्राउन कलर बनाना हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम फिलिंग करेंगे। तो ब्राउन कलर बनाने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा रेड कलर, ले लीजिए थोड़ा सा रेड कलर एंड ब्लू कलर एंड देन येलो कलर, आप तीनों कलर को आपस में मिक्स कर देंगे तो आपको ब्राउन कलर मिल जाएगा। ठीक है, तो बना लीजिए ब्राउन कलर। आप सभी का ब्राउन कलर बन गया है, तो आप फिलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए हम इसके फेस में यहाँ पर हम ब्राउन कलर फिल करेंगे। ठीक है, ब्राउन कलर लीजिए और यहाँ पर फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, देखिए इसका जो फेस है हम इसमें ब्राउन कलर फिल करेंगे और इस जगह। ठीक है, इसी वे में। ओके, तो आप फिल कीजिए। हमने कॉक के फेस में ये ब्राउन कलर फिल कर लिया। ठीक है, अब हम इसकी बॉडी में कलर फिल करते हैं। हम इनकी बॉडी में हम डायरेक्ट येलो कलर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप वैसे कलर भी बना सकते हैं, वो भी मैंने आपको बनाया सिखाया है। और आप अगर ब्लू कलर नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें सिंपली येलो कलर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा येलो कलर, तो हम इसको सिंपली येलो कलर भी हम इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, या हम थोड़ा सा इसको मटमैला कलर ही बना लेते हैं। देखिए मैंने ये वाला कलर बनाया है, कैसे बनाया है, आप पहले ब्राउन कलर बनाइएगा और उसमें येलो ज़्यादा मिक्स कीजिएगा। ठीक है, येलो ज़्यादा मिक्स करेंगे तो अच्छा कलर बनेगा। और फिर आप उसमें वाइट कलर मिक्स कर दीजिए, कौन सा कलर मिक्स कर दीजिए, वाइट कलर, तो आपको ये कलर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको फिल करते हैं। तो थोड़ा सा वाटर आप बीच बीच में यूज़ करके इसको इसके अंदर पूरा फिल कर दीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए फिल कर लीजिए। देखिए मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ, ऐसे आपको धीरे धीरे पहले आप लाइनिंग कीजिएगा, आउटलाइनिंग, फिर ऐसे अंदर फिलिंग करिएगा। ठीक है, ऐसे आपको अंदर फिल करना है, इस तरीके से आप पूरी हैंड में जितना भी इसके अंदर का रिमेनिंग पार्ट है उसमें आप फिल कर लीजिए। देखिए हमने ये कलर फिल कर लिया, अब हम रेड कलर लेंगे और उसको कहाँ फिल करेंगे, इनमें, यहाँ पर आपको रेड कलर फिल करना है। ठीक है, थोड़ा सा वाटर ले लीजिए, ज़्यादा वाटर नहीं लेना है, थोड़ा सा ही वाटर लेना है और यहाँ पर हम रेड कलर फिल कर देंगे। ठीक है, देखिए फिल करेंगे, देखिए इस तरीके से हम इसमें
सा रेड कलर ले लीजिए और इसमें फिल कर लीजिए। ठीक है, सेम यहाँ पर ठीक है, देखिए और इस साइड ठीक है। उसी तरीके से आप उसके कॉफ में भी सेम इन प्लेसेस पर रेड कलर फिल कर लीजिए। देखिए हमारी दोनों कॉफ पूरी फिल हो चुकी है। ठीक है, हमने इसमें रेड कलर भी फिल कर लिया और नाउ ये हमारी पूरी क्लॉक कॉक फिल हो चुकी है। ठीक है, अब हम और कलर फिल करते हैं। तो देखिए अब हम पहले घास में कलर फिल कर लेते हैं ग्रीन कलर। ठीक है, तो आप लोग डार्क लाइट ग्रीन कलर इसमें या फिर डार्क ग्रीन कलर फिल कर लीजिए। फिर हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, लाइट कर देंगे, तो यहाँ आप डार्क ग्रीन कलर फिल कर लीजिए। तो देखिए ऊपर हमने डार्क ग्रीन कलर फिल कर लिया। ठीक है, अब इस एरिया में फिल करने के लिए मैंने सोचा है कि आप लोग मतलब थोड़ा सा लाइट ग्रीन में थोड़ा सा डार्क ग्रीन मिला लें, क्योंकि लाइट फिर ज़्यादा ही लाइट हो जाता है। तो आप ऐसा करिए, थोड़ा सा डार्क जो आप लाइट ग्रीन कलर लें उसमें थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर मिक्स कर लें, बहुत ही थोड़ा सा। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा आपको माइन्यूट सा कलर मिक्स करना है, थोड़ा उसका शेड कम करने के लिए, अच्छा करने के लिए। ठीक है, देखिए ये वाला शेड अच्छा लग रहा है, तो आप उसको थिक ब्रश से भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम फिलिंग करेंगे। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर ये कलर फिल करेंगे। ठीक है, पहले अच्छे से कलर बहुत ही धीरे धीरे करिएगा। ओके, देखिए बीच में से आप अच्छे से ओके, कोई भी जल्दी नहीं करेगा, धीरे धीरे कलर फिल करिएगा ताकि आपका कलर अच्छा फिल हो। तो आप इसी तरीके से यहाँ पर भी इस पूरे एरिया में इस कलर को ही फिल कर लीजिए। ठीक है, देखिए चलिए फिल कर लेंगे, आप फिल कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ पर ग्रीन कलर फिल कर लिया, अब हम इस एरिया में थोड़ा सा ब्राउन कलर फिल कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा डार्क डार्क फिल नहीं करना है, लाइट फिल करना है, तो आप ब्राउन कलर निकालिए, ब्राउन कलर फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, देखिए नीचे हमने ब्राउन कलर फिल कर लिया। ओके, नाउ अब हम इस फ्लावर्स में कलर फिल करेंगे, तो आप अपने मनपसंद कलर इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे हम पहले फ्लावर में रेड कलर फिल कर देते हैं, तो आप अपना रेड कलर ओपन कीजिए और फिल कीजिए। देखिए रेड कलर का फ्लावर फिल हो गया, नेक्स्ट हम पिंक कलर फिल कर देते हैं, तो पिंक कलर आप रेड में वाइट मिक्स करके बना लीजिए और इस तरीके से इसमें आप पिंक कलर फिल कर दीजिए। देखिए, और आप इन फ्लावर्स के लीफ में कौन सा कलर फिल कर लेंगे, ग्रीन कलर। ठीक है, देखिए मैंने फिल कर लिया है, तो आप फ्लावर्स में ग्रीन कलर फिल कर लीजिए। तो हमारे दो फ्लावर फिल हो चुके हैं, एक और फ्लावर हम फिल कर लेते हैं, येलो कलर से, तो येलो कलर ओपन कीजिए, देन येलो कलर से इस फ्लावर को भी फिल कर दीजिए। ठीक है, देखिए येलो कलर लीजिए, इस फ्लावर में भी अच्छे से फिल कर दीजिए, इसमें वाटर यूज मत करिएगा, डार्क ही फिल कर दीजिए। ठीक है, ये हमारे तीनों फ्लावर फिल हो चुके हैं। नाउ अब हमारी हार्ट रह गई है और बादल में हमें कलर फिल करना है। ठीक है, बादल में आप लाइट ब्लू कलर फिल कर दीजिए। कैसे बनाएंगे, ब्लू कलर लीजिए और उसमें वाइट कलर मिक्स कर दीजिए।
ठीक है, ब्लू कलर में कौन सा कलर मिक्स करेंगे आप? व्हाइट कलर। देखिए थोड़ा सा हम ब्लू कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर ब्लू कलर ले लेते हैं और उसमें व्हाइट। हमें एक ही बादल में फिल करना है तो ज्यादा कलर मत बनाइएगा, थोड़ा सा ही कलर बना दीजिएगा। हम थोड़ा सा व्हाइट कलर मिक्स कर देंगे, ठीक है। देखिए मिल गया, थोड़ा और लाइट करना चाहे तो आप लाइट कर सकते हैं इसको, और हम इसको इस बादल में फिल कर देते हैं। अपने नीचे जो आपने नीचे कलर फिल किया है पहले उसको फिल जाने दीजिएगा, तब आगे फिलिंग करिएगा। तो हम देखिए सर्कल से यहाँ पर हम इस बादल में कलर फिल कर देंगे। ओके, अब हमारे हाथ में कलर रह गए हैं, तो हाथ में आप मनचाहे जो कलर आपको अच्छा लगे आप वो कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फिल करिए, हाथ के टॉप में मैं ब्राउन कलर फिल कर रही हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको ब्राउन कलर फिल करना है। ओके, देखिए ब्राउन कलर हाथ में फिल हो गया और यहाँ पर भी मैं ब्राउन कलर फिल कर दे रही हूँ, ठीक है। या ऑरेंज कलर फिल कर लीजिए, कौन सा ऑरेंज कैसे बनाएंगे आप? येलो में कौन सा कलर मिला देंगे? रेड कलर, ठीक है। तो देखिए येलो कलर ये रहा आपका, इसमें हम थोड़ा सा रेड कलर मिक्स कर देंगे तो हमें ऑरेंज कलर मिल जाएगा। देखिए यह है आपका ऑरेंज कलर, थोड़ा इसमें येलो और मिक्स कीजिए, येलो कलर है तो येलो हम थोड़ा सा और मिक्स कर देंगे, ठीक है। आपका ये ऑरेंज कलर बन जाएगा और आप इसको हाथ में ऑरेंज कलर या जो कलर आपको अच्छा लगे आप वो कलर भी फिल कर सकते हैं। कमी भी नहीं है, जो कलर मैं आपको बता रही हूँ वही कलर आप फिल करें। तो देखिए इस कलर को हम जो कलर अभी हमने बनाया उसको फिल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से आप इस हार्ट में भी कलर फिल कर लेंगे। ओके, तो बच्चों हमारी पूरी पिक्चर में कलर फिल हो चुका है, वाटर कलर हमने अपनी पूरी पिक्चर में फिल कर लिया। अब नेक्स्ट वर्क क्या रह गया है हमारा? स्केचिंग करना। क्या रह गया है? स्केचिंग करना। तो आप पहले इसको अच्छे से सूखने दीजिएगा, फिर अपना स्केच कलर से, ब्लैक स्केच कलर से इस पूरी पेंटिंग को स्केच जरूर करना, ठीक है। तो आप पूरी पेंटिंग को अच्छे से स्केच कर लीजिए। देखिए बच्चों, तो ये हमारी पूरी ड्राइंग फिल हो चुकी है, हमने इसमें स्केचिंग अच्छी की है ना, तो अब आपको भी इसी तरीके से पेज नंबर 14 सुंदर सुंदर फिल करना है। ओके, पेज नंबर 14 फिल करने के बाद आपको पेज नंबर 15 भी फिल करना है। देखिए क्या है पेज नंबर 15 में, पेज नंबर 15 में आपको क्या गिवन है? चोकर। क्या गिवन है? चोकर। अब आप सभी बच्चों को मैंने आपको इतनी सारी ड्राइंग फिल करवाई हैं, बहुत सारी ड्राइंग फिल करवाई है ना, और बहुत सारे कलर बनाने भी सिखाए हैं कि किस तरीके से आप ब्राउन कलर, पर्पल कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अपनी ड्राइंग को फिल करने के लिए बना सकते हैं। तो ये आपको आज पेज नंबर 15 पे एक चोकर गिवन है, मैं चाहती हूँ कि आप इस चोकर को खुद फिल करें, इस चोकर को खुद फिल करें। मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस तरीके की क्रिएटिविटी, किस तरीके के कलर्स आप इसमें फिल करेंगे। तो आपको पेज नंबर 15 अच्छे से फिल करना है और मैं देखूंगी कि कौन से बच्चे ने अच्छे से जोकर को फिल किया। वैसे भी आपको पता है जोकर कलरफुल होता है, तो आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स फिल कर सकते हैं टू मेक इट कलरफुल। ओके, तो आपका मुझे देखना है कि आप किस तरीके से पेज नंबर 15 को अपनी क्रिएटिविटी के साथ फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की ड्राइंग करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके एवरीवन।